जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा चयनित करीब 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी नियुक्ति आदेश नहीं मिलने की वजह से पूरे प्रदेश में जगह जगह पर शांति मार्च एवं ज्ञापन के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की जर्जर हालत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में पीएससी चयनित सहायक प्राध्यापक संघ मध्य प्रदेश सतना द्वारा रविवार दिनांक 2 जून 2019 को दीक्षा एकेडमी होटल तुलसी छाया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा चयनित करीब 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी नियुक्ति आदेश नहीं मिलने की वजह से पूरे प्रदेश में जगह जगह पर शांति मार्च एवं ज्ञापन के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की जर्जर हालत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनकी चिंता का कारण यह भी है कि पिछले 27 सालों से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को नहीं भरा गया है, जिसके कारण शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले गरीब मजदूर किसानों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इन चयनित आवेदकों ने सभी जिला स्तर पर अपनी बैठकें कर, ज्ञापन देकर एवं शांति मार्च निकाल कर सरकार को अपनी बात पहुँचाई, लेकिन यदि इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये चयनित आवेदक 9 जून से भोपाल में परिवार सहित अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सितंबर 2018 में इनके दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी मांगी गई थी, जिसकी वजह से इन्हें अपना तत्कालीन रोजगार छोड़ना पड़ा और वर्तमान स्थिति में इन्हें कोई रोजगार भी नहीं दे रहा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित ये उच्च शिक्षित बेरोजगार आज दर दर भटक रहे हैं। इस संदर्भ में पीएससी चयनित सहायक प्राध्यापक संघ सतना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें सरकार द्वारा यथाशीघ्र नियुक्ति हेतु बात रखी गई। इसके पूर्व प्रदेश संगठन द्वारा पिछले महीने में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी इनसे मुलाकात कर यथाशीघ्र नियुक्ति हेतु ज्ञापन दिया गया था। ज्ञात हो कि प्रदेश में लगभग 27 वर्षों बाद पहली बार सहायक प्राध्यापक परीक्षा का आयोजन कराकर उसका वेरिफिकेशन भी करवाया गया, तत्पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश रोक दिए गए। सरकार नियुक्ति का आदेश क्यों रोक रही है, इस पर कोई संतोषपूर्ण जवाब भी नहीं दे रही, जबकि पीएससी में असफल अभ्यर्थियों द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिसका कोर्ट ने लगातार खंडन भी किया, तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने विभागीय जांच करवाकर पीएससी द्वारा की गई भर्तियों को सही पाया। आज लगभग परीक्षा परिणाम और दस्तावेजों के परीक्षण प्रातः 8 महीने हो गए हैं एवं दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान पूर्व संस्थाओं में कार्य सफल अभ्यर्थियों द्वारा एनओसी लिए जाने के कारण उन संस्थाओं से भी सेवा से पृथक कर दिया गया, अर्थात सभी सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश है जो अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रदेश संवाददाता मनीष अहिरवार की रिपोर्ट।